जो है वो जगमगा रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं इधर से मरीन ड्राइव तरफ। सो सबसे कंफ्यूजिंग प्रोजेक्ट जो है वो यही है, लोहिया पचक्र। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लोहिया पचक्र एक्चुअल है क्या। इसके नाम के पीछे ही एक बहुत बड़ा चीज है कि जितना भी सिग्नल है ना, ट्रैफिक सिग्नल, उसको हटाने का प्लान है, नो यू टर्न यहाँ पे। वैसे आपको बता दें कि अभी हम लोग बेली रोड पे हैं, तो बेली रोड पे लोहिया पचक्र का जो फेज टू है उसका इनोग्रेशन आ हुआ है। वैसे फेज थ्री और फेज फोर जो है उसका काम होना बाकी है, वो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। ये तो लोहिया पचक्र और यहाँ का ये जो इनोग्रेशन है ना, ये हुआ है भाई। फर्स्ट टाइम हम लोग चल रहे हैं ना, कुछ लोकेशन चेंज हो गया। ये हम लोग हड़ताली मोड़ क्रॉस कर रहे हैं, पहले हड़ताली मोड़ ऐसा नहीं हुआ करता था, अब हम लोग हड़ताली मोड़ क्रॉस कर रहे हैं, देख सकते हैं। और ये पेंटिंग भी जबरदस्त किया। तो रात के टाइम में भी आजकल पटना में जो है ना वो ट्रैफिक सिग्नल फॉलो किया जा रहा है, ये काफी बढ़िया चीज है। 12 बजे के बाद बहुत सारा सिग्नल जो है वो ऑफ हो जा रहा है, बहुत सारा सिग्नल ऑन है। अभी फिलहाल हम लोग गांधी मैदान के पास है, तो गांधी मैदान में 14 अगस्त का चल रहा है जोरों शोरों से तैयारी, वो दिखाते हैं आपको इस ब्लॉग में। और चलेंगे हम लोग गायघाट की तरफ, गायघाट से दीघा तरफ राइड करेंगे क्योंकि गांधी मैदान आए हैं। तो कारगिल चौक जो है ना, ये सबसे बढ़िया डेकोरेट किया जाता है। एक बार भाई कारगिल चौक घुमा दो ना, इधर से तो मेट्रो का काम चल रहा है, इधर तो बहुत ट्रैफिक इशू रहता है दिन के टाइम में। रात के टाइम में निकले हैं तो एकदम खाली खाली सा है, बस ये देख सकते हैं कारगिल चौक पूरा जो है वो तिरंगा के कलर में, पूरा पटना जो है वो जगमगा रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं इधर से मरीन ड्राइव तरफ। सो हर हर महादेव। अभी हम लोग आ गए हैं मरीन ड्राइव, ये देखते हैं। ये लोकेशन पे जैसे एंट्री करते हैं, इस साइड में पूरा गंगा जी का पानी देखने को मिलता है, और पूरा मरीन ड्राइव जो है ना वो तिरंगे से एकदम डेकोरेट कर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं मरीन ड्राइव की तरफ, और सीधा चल रहे हैं हम लोग गायघाट के साइड। गायघाट के साइड चलते हैं और फिर फ्रंट कैमरा यूज करते हैं क्योंकि काफी ब्लर आ रहा है, शीशा थोड़ा गंदा है। बाहर का व्यू काफी मस्त है, गायघाट के साइड। गायघाट के साइड आ गए हैं और दिखाने वाले हैं कि ये जो रोड है ना, ये आज ही इनॉग्रेट हुआ है, और कल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप लोग जो ब्लॉग देखिएगा वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के दिखेगा, देखिएगा। तो सब लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आपका भाई जो है वो आज ऐसे ही मूड हो गया, और हम लोग हॉस्पिटल से निकले थे, किसी काम से फंसे हुए थे, तो सोचे क्यों ना आप लोग के साथ एक ब्लॉग शेयर किया जाए। तो ये ब्लॉग शेयर करते हैं, थोड़ा व्यू दिखाते हैं। ये रहा गाड़ी, लाइट वाइट चेंज हो गया है गाड़ी में, और ये है महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। या दोस्तों, ये महात्मा गांधी सेतु ब्रिज है, और अभी हम लोग जो है ये, अगर हम लोग को गायघाट जाना है या पटना सिटी जाना है या NMCH जाना है, तो ये ऑप्शन है। यहाँ से हम लोग टर्न लेके और फिर ऐसे करके ये गायघाट वाला जो रूट है, यही रूट को हम लोग फॉलो करके जा सकते हैं। इस साइड से आपको व्यू दिखा देते हैं। वैसे आपको बता दें कि अभी जो ये लेन चालू हुआ है ना काम, ये वाले रूट से हम लोग जा सकते हैं गायघाट सिटी के साइड। और अभी जो रूट स्टार्ट हुआ है, बस एक ही लेन स्टार्ट हुआ है, अप एंड डाउन दोनों एक ही लेन में है। उस साइड वाला जो लेन है ना वो अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, इसका अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बाकी है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। वैसे चलेंगे अभी इस साइड से पूरा राइड करते हुए दीघा की तरफ। तो हम लोग चलते हैं इधर से ऐसे, और वहां से घुमा के हम लोग चलेंगे दीघा की तरफ। तो बाबू क्या हालचाल है? बढ़िया, प्रशांत है। और पीछे में हम लोग के साथ है रत्नेश, और इधर है गोलू। तो रत्नेश जो है हमेशा बिलीव करता है किस चीज में? पेट पूजा में, काम दूजा में। तो बैक कैमरा का व्यू दिखाते हैं बाहर से, क्या सुन। सो अभी यहाँ पे रुके थे कुछ थंबनेल पिक्चर क्लिक करने, काफी बढ़िया डेकोरेट हो गया है। तो अभी टू वी कंटिन्यू करते हैं, थंबनेल पिक्चर क्लिक कर दिया। अभी के टाइम में आने का एक बेनिफिट हुआ कि काफी खाली सा रोड मिला, तो अभी चलते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं। दीघा देखने को मिल रहा है PMCH, आने वाले टाइम में ना बहुत बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने वाला है PMCH। बहुत जल्दी एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो यहाँ PMCH में देखने को मिला है। देख रहे हैं क्या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल। और इसका प्लानिंग भी है बहुत अच्छा, क्योंकि मरीन ड्राइव से कनेक्ट किया गया है, इसी वजह से ऐसे इसको गंगा पाथ बोलते हैं। मरीन ड्राइव कॉमन वर्ड हो गया, बहुत इजी वर्ड हो गया। हम लोग मरीन ड्राइव वाला जो ये है ना, इसे एग्जिट कर रहा है। ये देखो ये है असली 60 डिग्री, हाथ में झंडा और कोई हेलमेट नहीं। हेलमेट की जरूरत नहीं है उनको, ये है कहानी। और इन लोग को ऑब्जेक्शन करके रोका गया होगा किसी न किसी वजह से, पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड में है। 15 अगस्त है, थोड़ा बहुत पेट्रोलिंग पे है। और वीडियो को एंड कर देते हैं, चलते हैं घर की तरफ। वैसे ये एक छोटा सा ब्लॉग था,
रात में निकले हुए थे, टाइम था, मौका था, दस्तूर था, और आप लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करने का मौका भी मिला था, तो सोचे क्यों ना विश कर दे। कल का क्या शेड्यूल रहेगा पता नहीं, और व्लॉग आएगा कि नहीं आएगा वो भी पता नहीं, लाइफ थोड़ा ऐसे ऐसे चल रहा है।